हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और टेस्टी पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बड़े से इसके आलू को अच्छी तरह से बॉयल करके मैश्ड करके लिया है। अभी इनमें डाल देंगे चॉप्ड किए हुए प्याज। एक बड़े साइज के प्याज को चॉप्ड करके लिया है। आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आप लोगों के पास मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो आप लोग उसके बदले ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अभी हम डाल देंगे एक कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इनको एक थाली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक थाली लिया है और इसमें अच्छी तरह से तेल लगा लिया है। अभी मिक्सर को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए आलू के मिक्सर को हमने थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अभी इसे रेफ्रिजरेटर में 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो अभी इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है सेवई। अभी एक एक करके हमने जो आलू के मिक्सर से छोटे छोटे पीसेस बनाया है उनको सेवई में कोट कर लेंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है। अभी एक एक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पहले वाले पोटैटो स्नैक अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इनको तेल से हमने निकाल लिया है और अभी ऐसे ही बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।